भगवान राम के सभी तीर्थ स्थलों पर भाजपा की हार हुई है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि भगवान राम के सभी स्थलों पर बीजेपी को करारी हार भगवान की नाराजगी को दर्शाती है। आरएसएस के लीडर हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा कि जो अहंकारी हैं उनको 241 पे रोक दिया गया और जो राम भक्त नहीं थे उनको 234 पे रोक दिया गया। जनता देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूं, कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी कि आरएसएस के लोग, प्रमुख लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे। ये इस देश की जनता की उम्मीद थी, हमारे जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं हुआ। अमित जनतेला जनार्दन म्हणतो, जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है, डरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा, तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हरे, आप चित्रकूट हरे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे, आप रामेश्वरम में हरे, आप रामटेक में हरे, जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।